जे गो माता जे गोपाल, आज अमावस्या लग चुकी है। आसोज महीने की मेले की अमावस्या भी कहते हैं, और यह आसोज महीने की नवरात्रि से पहले बहुत बड़ी अमावस्या आती है। इस अमावस्या के शुभ अवसर पर आज गौ माता के लिए लापसी की प्रसादी बनाई जा रही है, जो सवेरे जल्दी मॉर्निंग में 7-8 बजे गौ माता को प्रसाद खिलाई जाएगी। और यह प्रतिदिन लापसी तो गो भक्त बनती है, चाहे अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, चाहे एकम हो, चाहे चौथ हो, यह लापसी तो प्रतिदिन बनती है। लेकिन आज अमावस्या की लापसी के इससे प्रतिदिन एक एक भामाशाह बनते हैं, और उन गौ भक्तों के सहयोग से गौ माता को लापसी खिलाई जाती है, जहाँ 500 के करीबन छोटे बछड़े व गौ माता सबको ये प्रसाद आती है। क्योंकि ये रात में बहुत ज़्यादा जाड़ी हो जाती है, सवेरे इसमें लगभग 400 लीटर पानी आता है, तब जाकर के ये 60 बाल्टी 20 लीटर की कम से कम ये 800 500 700 800 किलो माल पानी के साथ में तैयार हो जाता है। तो सभी गौ माता को 1-1.5 किलो लापसी मिल जाती है। गौ भक्तों, आपके दिए हुए दान से ऐसी गौ माता को लापसी खिलाई जाती है। और आज लापसी की भामाशाह जो हमारे मासिक सदस्य हर अमावस्या पर 5100 रुपये करते हैं, और जिन्होंने ओम जी मुंडेल की 11 अक्टूबर को जागरण थी, अगस्त को गौ माता के लिए जागरण थी, उस जागरण में जिनके परिवार से 8 तोला गौ माता के लिए सोने का जो आभूषण जागरण में दे दिया था, ऐसे परिवार से हैं गौ भक्त राजू राम सिनोप श्रीमान देवाराम जी साहू चोरा, हाल चेन्नई में बहुत अच्छा व्यवसाय है गौ माता के आशीर्वाद से, और वहाँ चेन्नई में भी कम से कम खुद का वहाँ रेवास घर है गौ माता की दया से, उनके पास में 50-100 गौ माता वहाँ भी सेवा होती है इन गौ भक्तों के सहयोग से। और भगवान ने इनको गौ माता के लिए ही दिया ऐसे है, क्योंकि हर अमावस्या पर 5100 रुपये पर हर कहीं भी गौ माता की आवश्यकता होती है, तो गौ भक्त दिल खोल करके दान देते हैं। ऐसे प्रिय गौ भक्तों के लिए, गौ भक्तों में गौ भक्त राजू राम जी और इनके परिवार के बारे में शब्दों से भी बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे सेवा भावी और गौ माता के प्रति इनकी इतनी लगन है, जो मैं तो गौ माता से प्रार्थना करता हूँ, ए माँ ऐसे परिवार को हमेशा खुश रखे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से, कोटि कोटि आपके पूरे परिवार को बधाई, और गौ माता के आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा खुशियों के भंडार भरा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद गौ भक्त देवाराम जी, जो आपने ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया, जो गौ माता की सेवा में हमेशा हाजिर रहते हैं, और जिनके दिल में गौ माता के प्रति केवल एक ही भाव रहता है, गौ माता की सेवा होना चाहिए और कोई स्वार्थ भाव नहीं। ऐसे प्रिय गौ भक्त जब एक एक शब्द गौ माता के लिए बात में कहते हैं, तो एक दिल गदगद हो जाता है, क्योंकि इतना निर्मल भाव गौ माता के प्रति। धन्य ऐसे गौ भक्तों के माता पिता को, जितने शब्द गाऊँ उतने कम है मेरे प्रिय मित्र राजू राम साहू के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, गौ माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे।